साल 2007 में नोएडा को एक सपना दिखाया गया। सपना था हिंदुस्तान के पहले ट्रैफिक पार्क का, और ये सपना सच तो हुआ लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पिछले 12 साल से नोएडा इस सपने के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। लेट लतीफी का शिकार हो रहा ट्रैफिक पार्क। ट्रैफिक पार्क का काम 2007 में शुरू हुआ था, जिसे 2015 में पूरा किया जाना था, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। इसके बाद इसे 2016 में पूरा करने की बात कही गई, लेकिन काम पूरा नहीं किया जा सका। इसके बाद तो मानो हद ही पार हो गई। रोज इस पार्क की डेडलाइन बढ़ती गई, मगर पार्क आज तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। ट्रैफिक पार्क में क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ के शहर वासियों के लिए क्या क्या सुविधाएं बनाई गई हैं कि ट्रैफिक नियमों को जान पाए, तो हमारे आप पीछे देख सकते हैं और हमारे यहाँ खड़े हुए देख सकते हैं कि ओवरब्रिज बनाया गया है। लोग यहाँ से निकल सकते हैं। बच्चों को अच्छी खासी सुविधा बताने के लिए ट्रैफिक सिग्नल भी देखिए हमारे पीछे है, ये बना यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल, बच्चों को यातायात नियमों के से वाकिफ कराया जा सकता है। वहीं आपको बता दिया जाए, ट्रैफिक पार्क को डिजिटल डिवीजन में बांटा गया है, पांच जगह पे। साथ ही ये भी है, इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी कराए जाएंगे और ओरिएंटेशन के लिए करीब 200 सीटें हैं जो लोग जहाँ पर बैठ सकते हैं। कैफेटेरिया भी है, उधर देखिए हमारे पीछे वहाँ पर कैफेटेरिया है, इसमें कैफेटेरिया में लोग बैठ सकते हैं। और वहीं आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये सिग्नल, जो ट्रैफिक सिग्नल हैं जिसके मॉडल बनाए गए हैं। साथ ही देखिए हमारे पीछे ये सिग्नल है, इसमें मोटरसाइकिल और ड्राइविंग सेंटर, स्कूल और ट्रैफिक पार्क के रीजनल ट्रांसपोर्ट काफ़ी सुविधाएं बनाई गई हैं। साथ ही अधिकारियों को बैठने के लिए, हमारे उधर पीछे देखिए यहाँ पर अधिकारियों के बैठने के लिए भी और उनकी ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी जगह बनाई गई है इस ट्रैफिक पार्क में। पर आप इसकी हालत देख सकते हैं, कितनी खस्ता हालत में ये पड़ा हुआ है। लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि इसकी वजह से ये अभी तक निर्माण कार्य रुका हुआ है, कभी इसके ऊपर अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टालम टोल कर रहे हैं। देखिए आप, घास उग रही है, एक साल से करीब ये काम रुका हुआ है। यहाँ की स्थिति यह है कि बताया जा रहा था कि जुलाई अगस्त में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाना है और आम जन के लिए पार्क खोल दिया जाएगा। किसी के पास नहीं है सटीक जवाब इस पूरे मामले पर। जब नोएडा के एआरटीओ एके पांडे से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि रख रखाव और सभी जरूरतों की लिस्ट बना दी गई है और जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। आप भी सुनिए। अथॉरिटी ने मुझे देने का निर्णय लिया है, जो पत्र मुझे प्राप्त हो चुका है, उसमें कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता है, जैसे उसकी देखरेख कौन करेगा, सफाई की आवश्यकता होगी, उसके लिए मैंने एक एस्टीमेट बना के शासन को भेजा है। एस्टीमेट स्वीकृत हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा मुझे, तो वो निर्णय ले लिया जाएगा कि उसमें क्या करना। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, तो वो बात को टाल मटोल करते रहे। नहीं, चूंकि ट्रैफिक पार्क नोएडा अथॉरिटी द्वारा निर्मित किया गया है, उसके पहले की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में ये जरूर है कि वो परिवहन विभाग को उनके द्वारा आवंटित किया गया है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही धन प्राप्त होने की संभावना है। जैसे ही प्राप्त होगा उसका उपयोग शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 108 में बनाए गए इस ट्रैफिक पार्क ट्रैफिक पुलिस स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दे। नोएडा अथॉरिटी ने ये पार्क ट्रैफिक से जुड़े सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया। यहाँ आपको ट्रैफिक से जुड़े बहुत से साइन देखने को मिल जाएंगे। तो सर, एक बात और क्वेश्चन है मेरा, जो एक जो ये अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसका आप सर यूज कैसे करा जा सकता है, क्योंकि अभी तो पेंडिंग पड़ा हुआ है कुछ वजहों से, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो ट्रैफिक पार्क बना हुआ है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ट्रैफिक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत एक अच्छा, उसकी यूटिलिटी ये है कि हम उसको ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए स्कूल के बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी जैसे हमारे पास टीम आ जाती है, तो फिर हम उस हिसाब से, हमारा एक डेडिकेटेड TSI है राकेश, जो ले करके जाता है बच्चों को, दिखाता है, और बहुत बढ़िया बना हुआ है, उसका आने वाले समय में यूज़ होगा, क्योंकि वो RTO और अथॉरिटी के बीच का इशू है, टेक ओवर हैंड ओवर का, आफ्टर दैट तो वो प्रॉपर चलने लगेगा। तो देखा आपने, SP नोएडा का भी ऐसा ही मानना है कि अगर ये पार्क शुरू हो जाता है तो सभी के लिए अच्छा होगा। वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि विवादों में फंसे इस ट्रैफिक पार्क को कब तक आम जनता के लिए खोला जाता है।
देखिए आप, सारा काम ठप पड़ा हुआ है, घास बड़ी हो गई है और हर तरफ से काम बंद पड़ा हुआ है। मतलब ये एक बहानेबाजी कह सकते हैं इसको, कि अभी तक इस सिस्टम का कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला मुझे कि ये बता सके कि ये काम हमारी जिम्मेदारी में आता है और हम कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे अधिकारियों से भी बात करी इससे रिलेटेड, पर उसमें भी अभी तक कोई भी सामने बोलने के लिए तैयार नहीं बोल रहा, और जो बोल रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहाना डालते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रणा दीक्षित, R9 TV।